हम चोला पास पहुंचने वाले हैं। चारों तरफ बहुत ज़्यादा बादल हैं, इसलिए सामने ज़्यादा दूर कुछ भी नहीं दिख रहा है। अगर बादल ना होते तो हमें चोला पास दिख जाता। हम लगभग इस समय 5000 मीटर की ऊंचाई पर हैं। चोला पास 5350 मीटर के आसपास है। इतनी ऊंचाई पर चलने से सांस चढ़ती है, थकान बहुत ज़्यादा होती है। ये सामने एक याक है, पता नहीं, अरे नहीं निशा नहीं, याक याक, चल नीचे को चल तो नॉर्मली। याक से बचने में ही भलाई है। याक ऊद मिजाज का होता है, डर जाए तो डर जाए, नहीं तो सींग भी घुसेड़ देता है। हैं, रास्ते में बर्फ पड़ी हुई है, इस वजह से उतनी ज़्यादा थकान नहीं हो रही है, अन्यथा बहुत ज़्यादा थक जाते। यह जगह एक कूड़ेदान है, एवरेस्ट के रास्ते में इस तरह के बहुत सारे कूड़ेदान बना रखे हैं। इन पर 3 खिड़कियां हैं, एक पर लिखा हुआ है सीसा टीन और कैन, इसमें मेटल की चीज़ें डाली जाती हैं। दूसरे पर लिखा हुआ है प्लास्टिक एंड पेपर, प्लास्टिक और पेपर इसमें डाले जाते हैं। और तीसरी खिड़की है इन सारी गंदगियों को बाहर निकालने वाली, इस पे अपील लिखी हुई है कुंभुलाई सफा रखो, यानी के कुंभू को साफ रखो। अभी चारों तरफ बहुत बादल हैं, हवा में तेजी आने लगी है। निशा ने वो जैकेट पहन ली है, ठंड लग रही है। चलिए आपको हाइट दिखाते हैं इस स्थान की। दिखी नहीं दिखी, 5034 मीटर दिख गई, इतनी अभी हाइट पे हैं हम। 300 मीटर और ऊपर चढ़ना है। ओम भगवान, बहुत तेज बर्फ पड़ रही है, आपको वीडियो में दिख रही होगी। निशा भी स्नोमैन हो गई है बर्फ से, इसके पीछे भी बर्फ जम गई है, पता नहीं दिखेगी नहीं दिखेगी। अभी हम चोला पास नहीं पहुंचे हैं, बहुत बुरी हालत है, ना रुक सकते और आगे बढ़ते हुए भी हैं, सांस फूलती जा रही है। चलिए ये है चोला का रास्ता, चोला पास पहुंचने वाले हैं। पहुंचने वाले का मतलब अभी 1 घंटा और लगेगा। ऐसा कठिन रास्ता 5000 मीटर से ज़्यादा की ऊंचाइयों पर आम है। बर्फ भी पड़ रही है, तेज हवा चल रही है। लो भैया, चोला की चढ़ाई है। हाँ, बहुत बर्फ है। हाँ, मेरे तो पैर भी फिसल रहे हैं। मैं वीडियो ज़रूर बना रहा हूँ,
लेकिन सफेदी के कारण मुझे कुछ नहीं दिख रहा इसमें। हाँ, सूरज महाराज बाहर निकलने की कई बार कोशिश कर चुके हैं, लेकिन बादलों के आगे अत्री की दस्तना गिर गया, अत्री उनकी एक भी नहीं चलती, बार बार उन्हें मुंह छुपाना पड़ जाता है। चोला अभी भी 200 मीटर ऊपर है, रास्ता ऐसा ही है, इसका मतलब हमें कम से कम 2 घंटे और लगेंगे। हाँ, जय हो, अच्छा हुआ हमें एक छोटी सी गुफा मिल गई थी, उसमें हमने थोड़ा सा खाना खा लिया। हाय, हम 51,500 मीटर की ऊंचाई पर हैं चोला। हाय हाय, उधर है, उधर उधर अगर बादल हटेंगे तो उधर चोला दिखेगा, उधर बिल्कुल। आई पुराने निशानों के ऊपर ही चलना, ताजा बर्फ हो जाने की वजह से, ताजा बर्फबारी पड़ जाने की वजह से पुराने निशान खत्म से हो गए हैं, हमें उन्हें ढूंढना बहुत मुश्किल हो रहा है। अगर हम इन पुराने निशानों से भटक गए तो फिर हम चोला पार नहीं कर पाएंगे, चोला पार करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी तक अच्छा है कि पुराने निशान हमें मिल रहे हैं, चारों तरफ बादल हैं और बादलों में एक बार हम अगर भटक गए तो फिर रास्ते पर आना बहुत मुश्किल होगा। आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो रहा है, अभी हम दर्रे से 100 मीटर नीचे हैं। भैया, ये हमारी निशा है, हम बढ़िया भाई बढ़िया, चारों तरफ बर्फ है, पता नहीं GPS हमारा बता रहा है कि हम 5,200 मीटर से ऊपर आ गए हैं, लेकिन बादलों की वजह से दर्रा हमें नहीं दिख रहा है, दर्रा 5,300 मीटर से ऊपर है, 5,350 मीटर के आसपास, इसका मतलब हम दर्रे से 100-125 मीटर नीचे हैं। तपस्या पूरी होने वाली है, सामने झंडियां दिख रही हैं, वो झंडियां ही चोला है, लेकिन मैं मुझे मुसीबत और दिख रही है, वो ये है कि अभी तो हम बर्फीले रास्तों पर ऊपर चढ़े हैं, अब इन्हीं रास्तों पर नीचे उतरना है दूसरी तरफ, बर्फ पर ऊपर चढ़ने के मुकाबले नीचे उतरना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। चलिए, यहाँ आए हैं तो वापस भी जाएंगे। चोला तो पहुँच गए, अब बारी है नीचे उतरने की दूसरी तरफ, लेकिन दूसरी तरफ का माहौल भी बड़ा ही खतरनाक है, आप खुद देखिए, नीचे एकदम से ढलान है, दूसरी तरफ जमी हुई झील है, झील के उस तरफ जमा हुआ ग्लेशियर है, इस तरफ भी कुछ राह नज़र नहीं आ रही है, लेकिन जाना इसी तरफ है, इसलिए कहीं ना कहीं से रास्ता ढूंढना पड़ेगा। इसी विचार विमर्श में अभी हम यहाँ बैठे हुए हैं। चोला से नीचे उतर के ये ग्लेशियर बहुत बड़ा है, इस पर हमें बहुत मुश्किल से दूसरे लोगों के फुटप्रिंट मिले हैं, ये झील है छोटी सी, ये जमी पड़ी है, ग्लेशियर में
दरारें पड़ी हुई हैं जिन्हें आप देख सकते हैं, और ताजी बर्फ ने इन दरारों को ढक दिया है। ग्लेशियर पता नहीं कितना बड़ा है। मेरी और निशा की हालत खराब हुई पड़ी है।